हेलो दोस्तों, नमस्कार। माय नेम इज अमित साय कैंग। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूँ AI मार्केटिंग प्लान के बारे में। तो प्लान के बारे में तो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि प्लान आप लोगों को पता होगा, यानी कि प्लान ज़्यादा कोई इसका हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल इसका प्लान है। आप जितने भी लोगों को डायरेक्ट रेफर करते हो उनसे आपको 5% का इनकम आता है, एंड उसके अलावा रिवार्ड है, उसके अलावा कुछ लेवल तक यहाँ पे डिफरेंस इनकम भी आपको मिलती है। तो प्लान तो आप सभी लोगों को पता है। बेसिकली कंपनी क्या कर रही है, ये कंपनी आप सभी लोगों से पैसे ले रही है और ये बोल के ले रही है कि हम आपके पैसे को एफिलिएट मार्केटिंग के जो लिंक्स होते हैं उनके एड्स को ये जगह जगह पे प्रमोट करते हैं, और उस एड के थ्रू जितने भी सेल्स होते हैं उसमें जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ वो खुद अपने पास रखती है और आप लोगों को वहाँ पे प्रॉफिट देती है। तो अभी तक यहाँ पे लोगों को 30-40% 50% 70% तक का ये कंपनी मंथली प्रॉफिट दे रही है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि ये कब तक सर्वाइव कर सकती है, क्योंकि जहाँ तक हमें समझ में आता है कि कंपनी इस टाइप से जितने भी कंपनी अभी तक मार्केट में आई और चली भी गई, तो वो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती हैं कि आपके पैसे का रोटेशन करती हैं। तो यहाँ पे कंपनी आपको बोलती है कि अगर आप फ्री में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे फ्री में रजिस्ट्रेशन करिए, हम आपको $50 देते हैं, और उस $50 को जैसे ही आपके वो $50 आपके वॉलेट में आते हैं उसमें आपके एड जो है चलना स्टार्ट हो जाती है और उस पर आपको प्रॉफिट मिल जाता है। तो जो $50 कंपनी ने आपके दिए वो एक महीने बाद लगभग आपके $60-$70-$80 तक हो जाते हैं, यानी कि वो एक आपको लालच दे दिया गया कि आप इस सिस्टम में आए कैसे। तो वहां पे लोग आ जाते हैं, आने के बाद फिर वो बोलते हैं कि भैया $100 से टॉपअप करो, यानी कि अभी आपको मिला कुछ नहीं लेकिन $100 से टॉप अप करो तब आपका काम आगे स्टार्ट होगा, तभी आप यहाँ पे आगे की इनकम कर पाओगे और आगे आप यहाँ पे विड्रॉल ले पाओगे। तो यहाँ पे मिनिमम विड्रॉल भी शायद $150 का है या फिर $100 का है। मैंने ज़्यादा कंपनसेशन प्लान इसका देखा नहीं है, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि AI मार्केट में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग अपना बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट भी डाल रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं आपको सिंपली आपके माइंडसेट को क्लियर करूंगा कि होता क्या है जब हम लोग किसी भी कंपनी में काम करते हैं। तो हमें कुछ नहीं दिखता, हमें ऐसा दिखता है कि ये कंपनी हमें करोड़पति अरबपति बना के जाएगी, लेकिन जब वो कंपनी बंद होती है तो बहुत दुख होता है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे मैं कंपनी की वेबसाइट को थोड़ा देख लेता हूँ कि वेबसाइट यहाँ पे किस तरीके से इनके वेबसाइट पे ट्रैफिक है। ट्रैफिक काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया में बहुत सारे लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं, और अगर कोई भी कंपनी इंडिया में प्रमोट होती है तो उसको उस पर जो ट्रैफिक है वो काफ़ी अच्छा आ जाता है। तो यहाँ पर हम AI.marketing को सर्च कर लेते हैं। तो ये दोस्तों हाइप स्टार्ट जो वेबसाइट है, इस पर आपको किसी भी वेबसाइट का लगभग जो भी ट्रैफिक चल रहा होता है वो आपको दिखता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस कंपनी का जो ट्रैफिक है, AI मार्केटिंग रैंक इसका देख सकते हैं आप 411 ग्लोबली ऑन अलेक्सा। तो रैंक इसका काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे यूजर आप देखेंगे तो 5.6 मिलियन यहाँ पे डेली विजिटर हैं, यानी कि 56-57 लाख लोग यहाँ पे इस वेबसाइट को डेली विजिट कर रहे हैं। यानी कि अगर इतने लोग डेली विजिट कर रहे हैं तो लगभग 50-60 लाख के समथिंग इसमें यूजर भी आराम से होंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे और भी इसकी हम देखते हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से आ रहा है। तो यहाँ पे USA से ट्रैफिक है, अल्जीरिया, जर्मनी, रशियन, साउथ अरबिया और इंडिया। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक है, आप देख सकते हैं कि इंडिया में इसका काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है। यहाँ पे 3512 जो रैंक है यहाँ पे इंडिया से है, यानी कि काफ़ी, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन होने की वजह से इंडिया के लोग भी यहाँ पे ज़्यादा काम कर रहे हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि ये कंपनी बाहर कितने देशों में चल रही है। तो उस वो हमें कैसे पता चल सकता है, हम एक अनुमान लगा सकते हैं, हम इसको एग्जैक्टली नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे कोई भी अगर लोग जो काम कर रहे हैं AI मार्केटिंग में, मेरी बात को आप ऐसा ना समझे कि मैं आपको नेगेटिव कर रहा हूँ, मैं आपके सिर्फ माइंडसेट को बदलना चाहता हूँ कि क्या हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यूट्यूब पे अगर इसकी वीडियो सर्च करते हैं, मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं AI मार्केटिंग इंग्लिश वीडियो डाल के सर्च किया हुआ है, ठीक है।
तो यहाँ पे जो वीडियोज निकलती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ की निकलती हैं, आप सर्च करेंगे, आप भी सर्च कर सकते हैं कि यहाँ पे एआई मार्केटिंग की जो वीडियो हैं, इंग्लिश वीडियो कुछ ही हैं, गिनी चुनी वीडियो हैं, लगभग 10-15-20 वीडियो या 50 वीडियो या ऐसे कुछ होंगी। यानी कि अगर 60 लाख यूजर हैं तो बाहर की वीडियो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए एआई मार्केटिंग के ऊपर, क्योंकि बाहर के लोग यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं कि ज़्यादा काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक ये ब्राइट डेविड है, इनकी ही ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मुझे देखने को मिली हैं इस यूट्यूब पे, देख सकते हैं यहाँ पे। बाकी के अदर कंट्री की और कहीं की वीडियो मुझे ज़्यादा देखने को नहीं मिली हैं। अगर हम थोड़ा और नीचे जाते हैं तो यहाँ पे अपनी इंडिया की ही वीडियो मुझे देखने को मिल जाती है, इंडिया के ही लोग हैं, इंडिया की ही वीडियो हैं। और एक मैं आपको बता दूं कि आज से लगभग 2 साल पहले 2019 में एक कंपनी लॉन्च हुई थी बाहर से ही, जिसका नाम था एक्स क्रिप्टो डॉट बिज। 2019 की बात मैं कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी वीडियो अब इंडियंस की आने लगी हैं, यानी कि 10-15 वीडियो के बाद यहाँ पे इंडियंस की आने लगी हैं। तो एक्स क्रिप्टो के बारे में मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये कंपनी जब स्टार्ट हुई थी ना, तो एआई मार्केटिंग तो क्या है, इससे बहुत बड़ा, इससे बहुत ज़्यादा इसका प्रमोशन था। अगर मैं इसके बात करूं, यूट्यूब पे अभी भी आप इसकी वीडियोज देख सकते हो, और जब तक आप स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे इंडिया की वीडियो ज़्यादा नहीं थी, सब अदर कंट्री की ही वीडियो ज़्यादा थी। तो आप जब तक इसको स्क्रॉल करोगे, आपको यूट्यूब पे इतनी सारी इसकी वीडियो मिलेंगी। ऑलरेडी इन्होंने अपना ऑफिस वगैरह सब कुछ दिखाया हुआ था, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारी डिटेल्स यहाँ पे इन्होंने दी हुई थी, अपनी ऑफिस का एड्रेस, अपनी ऑफिस का जो ऑफिस के वीडियोज, सारी चीज़ें इन्होंने ऑलरेडी दी हुई थी, और सारा ये अपडेट भी कर रहे थे। मैं ऑलरेडी खुद इस कंपनी में ज्वाइन था, 2019 की बात कर रहा हूँ, तो मैंने भी वहाँ पे 300-400 डॉलर लगाए थे, और वो भी सिर्फ इसी तरीके से आरओआई बेस्ड प्लान था। यानी कि वो भी हमें पैसा यहाँ पे दे रहा था, और वो भी बोल रहे थे कि हम यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं, वहाँ पे पैसा लगा रहे हैं। तो वहाँ पे भी मैं आपको बता दूं कि बिटकॉइन इस कंपनी में जब निवेश हुआ था ना, जब ये लॉन्च हुई थी, तो बिटकॉइन का प्राइस 4 लाख 5 लाख चल रहा था, और सीधे ही 1 से 2 दिन में डबल हो गया था, क्योंकि यहाँ पे जो डिपॉजिट होता था वो बिटकॉइन से होता था। तो 1 से 2 घंटे में ही बिटकॉइन का प्राइस काफी पंप कर गया था इस कंपनी में डिपॉजिट होने की वजह से। अगर आप देख सकते हैं तो इसका लॉन्चिंग डेट देख लेना, 15 जून ऐसा कुछ होगा, और उस टाइम का हिस्ट्री आप देख लेना, बिटकॉइन का काफी ऊपर गया था। यहाँ पे अगर मैं इसके वीडियो की बात करूँ, तो जब तक आप यूट्यूब पे इसको स्क्रॉल करोगे, तब तक आपको इसकी वीडियो मिलती ही रहेंगी, मिलती ही रहेंगी। यानी कि हजारों वीडियो इसकी आप अदर कंट्री की देखेंगे। और कंपनी यहाँ पे कितना टाइम चली थी वो मैं आपको बताता हूँ, 3 से 4 महीने ये कंपनी चली थी, उसके बाद शायद अदर कंट्री में चलती रही हो, क्योंकि यहाँ पे 3 से 4 महीने के बाद इसने इंडिया में तो विड्रॉल देना बंद कर दिया था। लेकिन हम बात करते हैं एआई मार्केटिंग के बारे में, तो अभी तक ये कंटिन्यू पेमेंट दे रही है लोगों का, यहाँ पे सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो अपना माइंडसेट रखिए, वो इस तरीके का मत रखिए कि आपने यहाँ पे आज 100 डॉलर डाले, कल आपके पास यहाँ पे 170 डॉलर इकट्ठे हो गए, या 150 डॉलर इकट्ठे हो गए। तो 150 के बाद आपसे वो कितना डिपॉजिट करा रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, उसको कंपाउंड कर रहे हो। आपने इधर उधर से अपनी टीम से इनकम की, 200-300 डॉलर आपके हो गए, फिर से आपने उसको डिपॉजिट कर दिया, फिर आपके पास 300 डॉलर हो गए, फिर से आपने उसको 400 डॉलर डिपॉजिट किए। तो इस तरीके से क्या है, टोटल ही लोगों का पैसा जो है वहां पे बना हुआ है, यानी कि लोग विड्रॉल कम कर रहे हैं और पैसे को कंपाउंड ज्यादा कर रहे हैं। अब यहाँ पे होगा क्या कि कंपनी के पास यहाँ पे पर डे पैसा क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, तो कंपनी यहाँ पे चलती रहेगी। लेकिन जब कंपनी को लगने लगेगा कि अब पैसा यहाँ से लोग निकालने लगे, तो ये कंपनी भी बंद हो जाएगी। मैं यही कह रहा हूँ कि ये कंपनी भी बंद हो जाएगी जब कंपनी को लगेगा कि लोग यहाँ से पैसा ज्यादा निकाल रहे हैं, और कंपनी के पास पैसा अब कम आ रहा है, या कंपनी पैसा नहीं सरवाइव कर सकती, तो कंपनी क्या करेगी, जितना भी अरबों रुपए इकट्ठा इस कंपनी ने किया है, ये कंपनी निकल जाएगी और आप लोग देखते रह जाओगे। मैं किसी को नेगेटिव नहीं करना चाहता, जब तक आप लोग काम कर रहे हैं, आपकी टीम अच्छी है, आप लोग कमा रहे हैं, तब तक कमाइए। लेकिन अपने माइंडसेट को उस तरीके से रखिए कि यहाँ पे हमेशा कंपाउंड मत करिए। आपने जो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आप सभी लोग अपना प्रिंसिपल बाहर करिए, उसके बाद चाहें तो अपना और थोड़ा बहुत प्रॉफिट बाहर करिए, उसके बाद चाहो तो आप यहाँ पे कंपाउंड कर सकते हो, उतना रिस्क आप ले सकते हो। लेकिन कम से कम अपना प्रिंसिपल जो आपने लगाया हुआ है, उसको आप जरूर बाहर कर लें, उसके बाद ही इस प्लान में आगे बढ़ें।
तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा था कि प्लान यहाँ पे आते जाते रहेंगे और लोगों को लग रहा है कि ये कंपनी लाइफ टाइम चलेगी, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि कोई भी इस टाइप की कंपनी लाइफ टाइम नहीं चल रही है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल 3 साल हो सकता है और ज़्यादा चल जाए, लेकिन यहाँ पे जब स्कैम होगा तो आप लोग देखते रह जाओगे कि भाई हमारे साथ क्या हो गया, हमने इतना पैसा लगाया, हमने टीम का इतना लगवा दिया। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां हैं, जो मेन चीज़ ये है कि आपका यहाँ पे पूरा का पूरा रिस्क है, क्योंकि आप अपना पैसा दूसरी कंपनी को दे रहे हो, तो दूसरी कंपनी यहाँ पे कुछ भी कर सकती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोगों को मेरी जो राय है वो अच्छी लगी होगी। बाकी आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, आप यहाँ पे काम कर रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे कितना कंपाउंड करना चाह रहे हो, कितना रिस्क लेना चाह रहे हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।